हेलो स्टूडेंट्स, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस प्रकार से करते हैं और उसके बाद में बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करी जाती है, लेजर किस प्रकार से बनाए जाते हैं और स्टॉक आइटम को किस प्रकार से क्रिएट करी जाती है। तो ये कंप्लीट गाइड आज की इस क्लास में आपको प्रैक्टिकल तरीके से मिलने वाली है वाउचर रिकॉर्ड के साथ में, जैसे कि आपको पता चले भी अगर हमें किसी कंपनी में अगर अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़े और वहाँ पर हमें बीजी सॉफ्टवेयर मिले तो वहाँ पर हमें कंपनी क्रिएट से लेके और उसके बाद में अकाउंटिंग के अंदर जितने भी हमारे स्टेप होते हैं उन सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप हमें किस प्रकार से बीजी सॉफ्टवेयर में यूज करना होता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना क्योंकि वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाली है। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे। तो बीजी को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए बीजी सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bg.in, वहां पर हम विजिट करेंगे और उसके बाद कुछ इसका होम पेज इस तरीके से ओपन होगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो इसका लेटेस्ट रिलीज है बीजी का 9.5 का, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद इजी स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके पहले जो इसके जितने भी प्रीवियस वर्जन थे वो आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, आप प्रीवियस वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने ये बीजी का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको इसका रिलीज है जो पता लगता है बीजी 21.9.5 का। तो अभी मेरे पास ये एज ए डेमो के रूप में है, हम इसके अंदर कंपनी क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो जैसे हम इसके अंदर इसका डैशबोर्ड ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से इसके टैब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे अगर आप ओपन पे करोगे, अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना होगा। जो हम कंपनी क्रिएट करेंगे उसका रिकॉर्ड हमारे साथ में है, उसके अंदर हम नाम हमें किस तरीके से लिखना होता है, एड्रेस हमें कहाँ लिखना होता है, उसके बाद में स्टेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर, बुक स्टार्टिंग डेट, सिक्योरिटी वगैरह किस तरीके से हमें यूज करनी होती है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट ओपन कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन, अगर आपके पास कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है तो वहां पर आपकी जितनी भी कंपनी उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ ये कह रहा है भी आपकी नो कंपनी फाउंड ए डाटा, यानी कि इस बात के ऊपर कोई कंपनी ऑलरेडी क्रिएट नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है जो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम करेंगे क्रिएट न्यू कंपनी पे, आप चाहे क्रिएट न्यू कंपनी पे यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन पूछेगा भी आप कंपनी क्रिएट करने से पहले इसका कोई वीडियोस वगैरह हेल्प के लिए देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। तो आप देखना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे, अगर आपको कोई वीडियो नहीं देखना है तो आप इस पे नो पे क्लिक करोगे। तो उसके बाद में ये क्रिएट कंपनी की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद में हमें जो कंपनी क्रिएट करनी है, हम इस वाउचर को लेके चलते हैं और इस वाउचर के आधार पर हमारी कंपनी हम रखते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हमारा जो मेन कंपनी का नाम है तो इस नाम को हम इस नेम के अंदर रखते हैं। उसके बाद में प्रिंट नेम के अंदर हमारा एजिटिज नाम आ जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट नेम अगर आप अपनी कंपनी का रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया STC यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद में कंट्री आपकी इंडिया रहेगी और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसा मैं राजस्थान से तो मैं राजस्थान को सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप कौन सी फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करोगे बीजी सॉफ्टवेयर में। तो अभी जो एज पर वाउचर के अकॉर्डिंग देखा तो मेरे पास फर्स्ट इनवॉइस है 2 मई 2023 का, यानी कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डेट दूंगा 1/4/2023। वैसे तो ये आपकी जो सिस्टम की डेट है उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक पिक कर लेते हैं। अगर आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हो या बैक पिछले फाइनेंशियल ईयर का करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डेट को चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में बुक्स, जो आपकी कम्युनिकेशन की जो डिटेल्स है, आपके बुक्स बिगनिंग की, जैसा कि टेली सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर आप उसी को एज इट इज रख सकते हो। वैसे यहाँ पर आता है भी आपका अपना जो बिजनेस है वो कब से स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है, अदरवाइज आप जो जो आपका फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है 1 अप्रैल 2023 उसी को हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। उसके बाद में आपकी जो कंपनी का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। तो एड्रेस के लिखने के लिए आपके जो भी कंपनी का एड्रेस है यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वार्ड नंबर 15 नियर मेन बस स्टैंड।
और उसके बाद में इसको हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद में आपके एरिया का जो भी पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका जो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, CIN नंबर अगर आप लिखना चाहते हो है तो आप लिख सकते हो। आपकी कंपनी का जो पैन नंबर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो वार्ड नंबर इनकम टैक्स वगैरह का वो डिटेल यहाँ पर लिख सकते हो। आप अपनी ईमेल है वो ईमेल भी आप यहाँ लिख सकते हो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर इसको मेरी मेल आईडी को एक बार यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने मेल आईडी मेरा यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद में ऑप्शन आपके पास एक पूछा जा रहा है अकाउंटेंट डिटेल्स, यानी कि जो इसको हैंडल करेगा अकाउंट्स को उसकी डिटेल। तो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी CA की डिटेल, अगर आपकी बुक्स की ऑडिट होती है तो CA की भी आपको जरूरत पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपने CA का नाम भी आपको लिख सकते हो। उसके बाद में ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको आपको कुछ चेंज करने की जरूरत होती नहीं है, ये बाई डिफॉल्ट फॉर इंडिया के लिए सेट ही होता है। उसके बाद मेन बात आएगी यहाँ पर इनेबल GST, तो आपको यस रखना है अगर आपकी कंपनी में GST रजिस्टर्ड है, GST रखेंगे। उसके बाद में इनेबल सेस, अगर आपकी कंपनी के ऊपर ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करती है जिसके ऊपर GST के अलावा सेस भी लगता है तो ऐसे कंडीशन में आपको यस रखना है। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे सेस नहीं टैक्स लगाते तो आपको नो रखना है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का जो GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने मेरी कंपनी का GST नंबर मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद में टाइप ऑफ टेलर, जो भी आपकी कंपनी जिस भी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, रेगुलर है या कंपोजिशन है, तो फिलहाल हम रेगुलर को लेके चल रहे हैं तो हम इसको रेगुलर में सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में दो ऑप्शन और आपसे पूछे जाएंगे, भी डिफॉल्ट टैक्स रेट फर्स्ट और डिफॉल्ट टैक्स रेट है जो सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, भी मान लीजिए आपकी कंपनी पर्टिकुलर किसी दो टैक्स रेट के अंदर डील करती है, या टैक्स फ्री या 5% या 5% या 12%, यानी कि किसी भी दो टैक्स के अंदर करती है, तो यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो 5% 12% या 12% 18% या 18 या 28 या टैक्स फ्री 5, जो भी पर्टिकुलर कोई भी दो टैक्स के अंदर काम करती हो प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अदरवाइज आप टैक्स रेट वन को और टैक्स रेट टू को 0-0 ही आपको रखना है। यहाँ पर आपको कोई भी रेट है जो फिक्स नहीं करना। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है, सेव दिस इन्फॉर्मेशन पर आपको यस पे क्लिक कर देना है और आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और कंपनी क्रिएट होने के बाद में आपके पास में एक सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा। तो इस तरीके से कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको इसको ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद में एक इस तरीके का विंडो और आएगा, ये आपके लिए पूछा जा रहा है यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड का। यानी कि अब मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर आप लगाना चाहते हो तो आप इसको यस रखोगे, अगर आप अपनी कंपनी को सिक्योरिटी को नहीं लगाना चाहते तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप इसको नो करोगे तो आपका ये हिडन हो जाएंगे। मैं मान लीजिए यस करता हूँ मैं, तो यस रखने के बाद आपका मतलब जो भी यूजर नेम रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ABC पासवर्ड 1234 1234, रीचेक के अंदर यस पे क्लिक कर दिया। तो यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फीचर्स ऑप्शन का इस तरीके की विंडो खुलेगी। इसके अंदर हमारी कंपनी की जितनी भी सेटिंग्स रहती है, GST से रिलेटेड, TDS से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ हम F12 और F11 का हम यूज करते हैं, वो सेम हमारे सामने ये फीचर एंड ऑप्शन के अंदर सारे ऑप्शन यहीं से हमें इनेबल और डिसेबल करने होते हैं। अब मान लीजिए आपको GST के ऊपर जाना है तो GST के अंदर आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप टाइप ऑफ डीलर जो हमने फर्स्ट टाइम के अंदर जो यहाँ से दिया था रेगुलर का, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा। उसके बाद में जो आपकी जो GST रिटर्न है, GST रिटर्न को आप मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली फाइल करते हो, वो यहाँ पर आपको देना है। जैसे कि मैं मंथली फाइल करता हूँ, टिन नंबर अगर आपके पास है तो लिख सकते हो, अगर आपने फर्स्ट टाइम ही GST लिया तो आपको GST नंबर लिखना है, टिन नंबर की वजह से जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो GST का नंबर है वो 15 डिजिट के अंदर लिखना है, वो मैंने एक डेमो के रूप में डाला हुआ है। उसके बाद में अगर आपकी कंपनी ई वे बिल और ई इनवॉइस बनाती है तो आपको इस ऑप्शन को यस रखना है। और उसके बाद में
सारी इंफॉर्मेशन भी डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी पड़ती है कि हमारा जो ई इनवॉइस है वो कहाँ से रहता है, जिसमें मैंने लिख दिया हमारा रायसेनगर पे रहता है, हमारा पोस्टल कोड 3351 का रहता है। और उसके बाद में अमाउंट ई वी बिल की जो हमारी लिमिट है, कितनी अमाउंट के बाद में हमारा ई वी बिल बनना चाहिए, तो मैंने लिमिट दे दी 50,000 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद में ई वी बिल रिक्वायर्ड है फिर लोकल ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज करोगे तो यस, किसके लिए करोगे, B2B या B2C के लिए, दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पे बोथ B2B और B2C ये ऑप्शन आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आएगा अमाउंट आफ्टर विच ई वी बिल एप्लीकेबल B2C, तो ये सेम अमाउंट यहाँ पर आपको रख देनी है। और किलोमीटर आपको हर किलोमीटर के ऊपर ही बनाना है, इसके अंदर कोई वैसा नहीं है, और आप इसको ओके करोगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसकी जो ऑनलाइन सेटिंग है, जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है ई वी बिल बनाने का, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर टैक्सेशन पे आएगा उस कंडीशन में। तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को सेव कर रहा हूं, ठीक है, और इसको यहां से मैं एग्जिट करूंगा। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम रहेगा वो आपको यहां पर भी दिखाई देगा, और उसके बाद में टाइटल बार के ऊपर यहां पर भी दिखाई देगा विद फाइनेंसियर के नाम से। तो ये था हमारा कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस, जिसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल है जो लिखनी होती है। अब उसके बाद में सबसे पहले हमारा काम आता है भी हमारी कंपनी के अंदर जो हमारे लेजर होते हैं उन सभी लेजर को क्रिएट करना, ठीक है। तो अब लेजर हमें कौन से क्रिएट करने होते हैं, जैसा कि हमारे कस्टमर हो गए या जो हमारे सप्लायर हो गए, उन सभी के लेजर हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाउचर रिकॉर्ड के आधार पर देखें तो हमने सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को प्रोडक्ट जो सेल किया, ये हमारी कंपनी के लिए सेल इनवॉइस है, तो ये हमारा कस्टमर है। तो हमें सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो बीजी सॉफ्टवेयर चलने। उसके बाद में लेजर क्रिएट करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ऊपर जो आपको यहां पर ये टैब के ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो आपका सेकंड ऑप्शन है कंपनी के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसके ऊपर आपको जाना है, मास्टर पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट्स का। अब अकाउंट्स के अंदर आपको ये तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, एड मॉडिफाई और लिस्ट। एड का मतलब आपको नया बनाना है, मॉडिफाई का मतलब आपने जो ऑलरेडी लेजर बना रखा है उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, और लिस्ट का मतलब जो आपके पास ऑलरेडी लेजर बने हुए उन सभी को देखने के लिए। लिस्ट पे हम चलते हैं, तो बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि काफी सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो बेसिक रूप से यूज होते हैं, उन सभी के लेजर बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक है जो ऑलरेडी क्रिएट किए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो TCS का, TDS का, जो हमारे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस की डिटेल्स होती है, उनके बैंक चार्जेस, यानी कि जो एज ए कॉमन लेजर होते हैं जो सभी कंपनी के अंदर यूज होते हैं, उनके लेजर है जो बीजी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्रिएट करके दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर काफी सारे लेजर ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन अब हमें नया क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम वापस बैक आएंगे और एड पर क्लिक करेंगे। तो हमें जो लेजर क्रिएट करना है हमारे कस्टमर का, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का, तो हम इस लेजर को यहाँ से लिखेंगे सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का। और उसके बाद में इसका ग्रुप, अब ग्रुप हमारे ये कंज्यूमर है तो हम इसको रखेंगे सैलरी डेब्टर्स में। और इसके बाद में अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे पिछले साल का भी अगर कोई बैलेंस है तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद में इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस हमें यहाँ लिखना होता है, तो मैं इसको एड्रेस को एक बार यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में इसकी जो भी कंट्री है इंडिया, जो स्टेट है इसका स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ डीलर, ये किस टाइप का डीलर है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है, गवर्नमेंट है, क्या है। तो अब हमारी कंपनी अगर इस वाउचर को हम देखें तो इस वाउचर के आधार पे इसके पास GST नंबर है, तो फिलहाल हमें इसको पता नहीं चल रहा ये रजिस्टर्ड है, मतलब ये कंपोजिशन में है या फिर रेगुलर में है। तो आप इसको GST नंबर पे पोर्टल पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको एज ए रजिस्टर्ड मान के भी इसको टाइप ऑफ डीलर के अंदर इसको रजिस्टर्ड करूंगा। उसके बाद में जो इसकी रिटर्न फाइलिंग की जो डिटेल्स है वो मंथली करता है या क्वार्टरली करता है आपको नहीं पता, तो आप इसको नोट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। और इसका जो GST नंबर है वो GST नंबर आपको यहाँ पर लिखना है अपने कस्टमर का, तो ये डेमो के रूप में, तो एक बार आपको यहाँ पर एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर इसका आधार नंबर की डिटेल वगैरह, टिन नंबर, ये सारी मोबाइल नंबर की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इसकी लिख सकते हो। लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आप जब भी इसका कंज्यूमर का इनवॉइस बनाओगे तो ये सारी डिटेल्स है जो उस इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आएगी, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद में मेंटेनेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है।
और उसके बाद में ये बैंक की डिटेल वगैरह आपके पास है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इस सभी को सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक लेजर है जो क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा लेजर क्रिएट करने का प्रोसेस। और उसके बाद बात आएगी स्टॉक आइटम हमें किस प्रकार से क्रिएट करनी है। जैसा कि हमारे पास इस इनवॉइस के अंदर हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम है, लेकिन हम एक बार एक स्टॉक आइटम को यहाँ पर क्रिएट करना सीखते हैं। बाकी का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए आपको सेम वही ऑप्शन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन पे जाना है। तो उसके बाद में आपको आइटम पे आना है, आइटम पे आना है, एड आपको करना है अगर आपको नई बनानी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी आपके पास स्टॉक आइटम के नाम है उस सभी नाम को यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। उसके बाद में ये ग्रुप्स, अब इसके अंदर ग्रुप बाय डिफॉल्ट ये जर्नल होता है। आप इसका जो भी ग्रुप बनाना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट कमांड है F3। जैसा कि टेली में हम Alt+C यूज करते हैं तो बीजी के अंदर हम F3 यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका कॉस्मेटिक गुड्स, और यहाँ पर इसको HSN कोड वगैरह इसका कुछ भी नहीं देना, आपको सिंपल सेव कर देना है। और उसके बाद में यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब हो गया भी आप इस प्रोडक्ट को किस यूनिट के अंदर सेल करते हो, डजन में करते हो, ग्राम में करते हो, केजी में करते हो, मीटर में करते हो, किस में करते हो। तो अगर आपके पास इन सभी के अंदर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी एक नई यूनिट भी बना सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस, नई यूनिट बनाने के लिए आपको F3 का यूज करना है। और यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि मैं यहाँ पर पीसीस के अंदर यानी कि सेल करता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पर पीसीस का एक यूनिट है जो क्रिएट करता हूँ। और उसके बाद में UPC जो भी आपके रहेगा GST रिटर्न के पर्पज से, तो मैं इसको PCS सेलेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद में UPC फॉर EV बिल के लिए भी सेम है, जो हमारी डिटेल्स है वो इसके अंदर आप चाहे नंबर्स के अंदर भी कर सकते हो। सेव में क्लिक करूंगा। ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद में टैक्स कैटेगरी, यानी कि इस प्रोडक्ट को आपका कितने परसेंट का टैक्स लगता है। तो ये जिस फिलहाल ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो GST 28% के अंदर है, तो मैं यहाँ से GST 12, 18, 28, 5 या एग्जेम्प्ट नॉन GST जो भी आपको सिलेक्ट करना हो कर सकते हो। और उसके बाद में इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो HSN कोड भी यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। और उसके बाद में जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आइटम की प्राइस से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर आपके इस प्रोडक्ट का कोई रेट सेल का रेट है वो फिक्स है तो आप फिक्स कर सकते हो सेल का और परचेज का। तो ये ज़्यादातर ये फिक्स होते नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको AGT जो खाली रख देना है। और उसके बाद में टैक्स इंक्लूसिव सेल्स प्राइस, यानी कि आपको टैक्स के जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके ऊपर करनी है, सेल्स प्राइस पे। तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, नो रखना होगा, टैक्स इंक्लूसिव परचेज नो करना होगा, यानी कि हमें टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स के अमाउंट अलग अलग शो करानी है, तो इसलिए हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। और उसके बाद के अंदर यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे सेल के और परचेज के, यानी कि आप पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक लेजर के अंदर रखोगे या फिर जो एज पर बाय डिफॉल्ट जो परचेज और सेल के लेजर जो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर बने होते हैं उसी के अंदर रखोगे। तो मैं यहाँ पर सेल का लेजर अलग से बनाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर रखना पड़ेगा स्पेसिफाई हेयर। तो यहाँ पर अब मेरे को वो सेल्स का एक लेजर है जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो सेल्स का ऑप्शन आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट जो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वही उठाएगा, लेकिन मैं मेरे को एक नया GST सेल का लेजर क्रिएट कर लिया, तो मैं F3 यहां पर सेलेक्ट करूंगा। तो अब यहां पर मैं लिखने वाला हूं कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% सेल, ठीक है, और इसको मैं अंडर रखूंगा सेल काउंट के और इसको मैं ओके करूंगा। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो सेल के लिए पहले लिख सकते हो यहां पर, ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना आए, क्योंकि यहां पर जो अक्षर है वो हिडन हो जाते हैं कुछ। तो मैं कॉस्मेटिक सेल यहां पर पहले लिख दिया ताकि मेरे को पता चल जाए, क्योंकि अगर ये नंबर नाम अगर कुछ बड़ा हो जाएगा तो ये सेल अमाउंट आपके आगे हिडन हो जाता है, पता नहीं चलेगा ये परचेज का लेजर है या सेल का लेजर है। तो इसी तरीके से मैं एक परचेज का लेजर भी क्रिएट करूंगा। तो F3 शॉर्टकट यूज करूंगा, दी कॉस्मेटिक्स परचेज GST 28%, और इसका ग्रुप मैं रखूंगा अंडर में परचेज काउंट के, सेव पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद में अगर आप इस आइटम के ऊपर कोई सेल का डिस्काउंट या कोई परचेज का डिस्काउंट अगर आपको मिलता है या आप देते हो तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी फिक्स कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप जीरो ही रहने दो।
और उसके बाद में आइटम की कोई डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर इस आइटम को स्पेशल आप दिखाना चाहते हो भी हर इनवॉइस के अंदर ही इसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसकी जो डिटेल है, इसकी जो कोई खासियत है वो अगर आप देना चाहते हो साथ में, तो वो आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी गुड प्रोडक्ट, तो ये आप है जो दे सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में इसका जो क्रिटिकल्स लेवल्स है, अगर आप इसको लेवल को सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। यानी कि ये आपके पास में एक लेवल आता है भी, आप मिनिमम लेवल क्वांटिटी कितने की है, कितने की आप रिओर्डर है, मतलब इसके अंदर आपको ये वार्निंग देता रहेगा भी कम से कम आपके पास कितना जो प्रोडक्ट है, इतने रहने के बाद के अंदर आपको ये वार्निंग दे दे भी आपके पास प्रोडक्ट ये कम हो चुके हैं, आपको अभी और परचेज करने की जरूरत है, या आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो भी इतने दिन बाद आपको और परचेज करना है। तो ये आपका एक क्रिटिकल लेवल आप सेट कर सकते हो अगर अपनी कंपनी की सुविधा के अनुसार, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद में आप इसको डायरेक्टली हम इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये स्टॉक आइटम को भी क्रिएट कर लिया। तो सेम इसी तरीके से हमारे वाउचर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कम जो इस बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक आइटम क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल एजीटीसी रहता है। तो इसी तरीके से आज के इस सेशन के अंदर हमने कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना और एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, ये सारी बातें सीखी है। तो आज वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, ताकि और भी फ्रेंड्स लोग हैं वो भी सॉफ्टवेयर को सीख के अपना करियर है जो अकाउंट्स के फील्ड में बना सके।